अगर कोई पर्सन मर्डर का ऑफेंस करता है तो ऐसी कौन सी सिचुएशंस होंगी जिसमें उसके ऊपर मर्डर का चार्ज ना लगकर बल्कि कल्पिएबल होमोसाइड का चार्ज लगता है, जो हमारा एक्सेप्शंस ऑफ मर्डर सेक्शन 300 ऑफ आईपीसी के अंदर कवर होता है। आज हम इस वीडियो के अंदर इन सारी बातों के बारे में ही बात करेंगे। मेरा नाम है आयुष, आप देख रहे हैं स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस। अब एक्सेप्शंस ऑफ मर्डर का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इससे पिछली वाली वीडियो के अंदर हमने कल्पेबल होमसाइड और मर्डर का डिफरेंस समझा था विद एग्जांपल्स और विद केस लॉज। इस वीडियो के बाद आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। तो आज का हमारा टॉपिक है एक्सेप्शंस ऑफ मर्डर, जो हमारा सेक्शन 300 ऑफ आईपीसी के अंदर कवर होता है। अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि अगर कोई एक बंदे ने किसी दूसरे बंदे को जान से मार दिया होता है तो ऐसे केस के अंदर उसके ऊपर मर्डर का चार्ज लगना चाहिए, लेकिन जब इन्वेस्टिगेशन होती है तो उसके अंदर सर्कमस्टांसिस को ढूंढा जाता है और प्रूव किया जाता है कि इस सिचुएशन के अंदर इस सर्कमस्टांसिस में आकर इस बंदे ने उस बंदे को जान से मारा था। अगर यह जो है एक्सेप्शंस ऑफ मर्डर के सर्कमस्टांसिस के अंदर कवर होती है तो जिसने जान से मारा है उसके ऊपर मर्डर का चार्ज ना लगकर कल्पेबल होमोसाइड का चार्ज लगता है, जो कि मर्डर की पनिशमेंट से थोड़ी कम पनिशमेंट मिलती है। अब पनिशमेंट कितनी मिलती है यह आज का हमारा आज इस वीडियो का टॉपिक नहीं है। हमारा आज का टॉपिक है एक्सेप्शंस के बारे में। पनिशमेंट्स और जो बाकी के टॉपिक्स बचे हैं मर्डर के वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे। तो सबसे पहला ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन जो हमारा एक्सेप्शन है। अब ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन का मतलब क्या होगा कि अगर आपको किसी बंदे ने एकदम गुस्सा दिला दिया और गुस्से में आकर आपने सामने वाले बंदे की डेथ कमिट कर दी है, जान से मार दिया है, गुस्से में आकर एकदम कोई प्लानिंग प्लॉटिंग करके नहीं, एकदम आपसे कोई बात हो रही थी तो आपको किसी ने भड़काया या गुस्सा दिलाया और गुस्से में आकर आपने सामने वाले बंदे को जान से मार दिया किसी भी चाकू मारकर, नाइफ यूज करके या गन यूज करके, व्हाटएवर। तो ऐसे केस के अंदर आपके ऊपर आपने ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन के अंदर सामने वाले बंदे को जान से मारा है तो ये हमारा एक्सेप्शंस ऑफ मर्डर की डेफिनेशन में आ रहा है। तो आपके ऊपर कल्पेबल होमोसाइड का चार्ज लगेगा, ना कि मर्डर का। अब इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट केस भी है जिसका नाम है के एम नानावती वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, 1978 का केस है, जिसके ऊपर मूवी और एक वेब सीरीज भी बनी है। आप उस मूवी और वेब सीरीज को देख के भी केस बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। दूसरा हमारा पॉइंट आता है एक्सेस यूज ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। इसका मतलब होता है कि हर एक बंदे के पास अपना राइट होता है कि मैं अपनी बॉडी को बचा पाऊं और अपनी प्रॉपर्टी को नुकसान होने से बचा पाऊं, कि जैसे कि कोई मुझे मारने आ रहा है तो मैं एक फोर्स, रीजनेबल फोर्स, रीजनेबल ताकत यूज करूं अपनी प्रॉपर्टी को बचाने के लिए, अपने आप अपनी बॉडी को बचाने के लिए, कि कोई मेरे को मारने आ रहा है तो मैं ऊपर से उसको मारूंगा, लेकिन एक्सेस यूज ऑफ प्राइवेट डिफेंस या एक्सेस यूज ऑफ फोर्स मैं यूज नहीं कर सकता। अगर मैं एक्सेस कुछ ज्यादा ही मैं फोर्स यूज कर दूंगा तो मेरे ऊपर कल्पेबल होमोसाइड या फिर मर्डर तक का भी चार्ज लग सकता है। अब इसके अंदर एक बात आती है कि एक्सेस यूज ऑफ प्राइवेट डिफेंस। अब इसको अगर टॉपिक को समझना तो आपको केस लॉ समझना पड़ेगा। दरोगा लोहार वर्सेस एम्परर सम्राट जो बहुत इंपॉर्टेंट केस है इस टॉपिक से रिलेटेड, इस पार्ट से रिलेटेड, एक्सेस यूज ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। इसके अंदर था कि अगर एक बंदे को कोई पर्सन मारने के लिए आ रहा था, अब वो डर के मारे उसने अपनी गन निकाली और सामने शूट कर दिया उस बंदे को, तो अब ऐसे केस के अंदर क्या हो गया कि वो बंदा तो सामने से हाथापाई करने आ रहा था, हाथ से मारने के लिए आ रहा था, अब आपको राइट किसने दिया है कि आप प्राइवेट डिफेंस के लिए इतनी ज्यादा एक्सेस यूज कर देंगे, आप अपनी गन निकाल के सामने वाले बंदे को शूट कर देंगे और जान से मार देंगे। तो ये आपका राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस के अंदर नहीं कवर होगा। इसके अंदर रीजनेबल फोर्स बिल्कुल भी नहीं है, एक्सेस फोर्स यूज करी गई है, तो ऐसे केस के अंदर आपके ऊपर कल्पेबल होमोसाइड का चार्ज लगेगा, आपके ऊपर मर्डर का चार्ज नहीं लगेगा, क्योंकि ये हमारा एक्सेप्शंस ऑफ मर्डर के अंदर आता है। अब इसके अंदर तीसरा एक्सेप्शन क्या बात करता है, डेथ कॉज्ड बाय पब्लिक अथॉरिटी, डेथ कॉज्ड बाय पब्लिक अथॉरिटी। अब पब्लिक अथॉरिटीज का मतलब होता है कि जो भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर मैं एक केस बता दूं, सत्यवीर राठी वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली। अब ये जो केस है इसके फैक्ट्स बहुत ज्यादा है तो आपको ये खुद केस स्टडी खुद करनी पड़ेगी। मैं आपको एक एग्जाम्पल बता देता हूँ कि अगर कोई भी पुलिस ऑफिसर अपनी ऑन ड्यूटी होता है और किसी पुलिस ऑफिसर से किसी की बहस हो जाती है तो और बहस में आकर पुलिस ऑफिसर अपनी गन यूज करके उसे जान से मार देता है तो इसके अंदर आता है कि डेथ कॉज बाय पब्लिक ऑफिसर, क्योंकि इसके अंदर लीगली तौर पर पुलिस ऑफिसर के पास कोई राइट नहीं है कि वो बिना वैलिड रीजन के बिना वैलिड रीजन यूज करे वो किसी पर्सन को गोली मारता चला जाएगा। तो ऐसे केस के अंदर उस पुलिस ऑफिसर ने किसी बंदे को जान से मार दिया इलीगल तौर पर, तो ऐसे केस के अंदर उसके ऊपर कौन सा ऑफेंस लगेगा पुलिस ऑफिसर के ऊपर, कल्पेबल होमोसाइड का, क्योंकि हमारा एक्सेप्शंस ऑफ मर्डर की डेफिनेशन के अंदर आ रहा है। अब इसके अंदर एक और मैं आपको बात बताता हूं जनरल नॉलेज के लिए, जो फेक एनकाउंटर्स होते हैं अगर पुलिस ऑफिसर जो करते हैं वो हमारा इस केस के अंदर कल्पेबल होमोसाइड का ऑफेंस के लिए नहीं आएंगे,
क्योंकि फेक एनकाउंटर जो है पूरी प्लानिंग करके प्लॉटिंग करके करे जाते हैं कि इस दिन हम ले जाएंगे, इस दिन हम ऐसे शूट करेंगे या व्हाटएवर उनके प्लानिंग के अंदर जो हिस्सा होता है, तो उसके बेसिस के ऊपर वो पूरी प्लानिंग करके जाते हैं। अब आप पूरा प्लान करके जा रहे हो किसी को मारने के लिए, तो फिर भी आपके ऊपर कल्पेबल होमिसाइड का ऑफेंस थोड़ी ना लगेगा, बल्कि आप पूरी प्लानिंग करके जा रहे हो तो आपके ऊपर क्लियरली मर्डर का ऑफेंस लगेगा। तो जो फेक एनकाउंटर्स होंगे वो हमारा इस सिचुएशन के अंदर कल्पेबल में नहीं आएगा, वो हमारा क्लियरली मर्डर के ऊपर ही आएगा। अब ये सिचुएशन जब आती है जब कोई पुलिस ऑफिसर बहसबाजी कर रहा हो किसी से या अपना गुस्सा निकालने के लिए एकदम रिवॉल्वर निकाल के वो शूट कर दे, ऐसे केस अगर पैदा होता है इसमें भी एकदम जान से मारने की या जान से मारने वाली कंडीशंस आनी चाहिए जब भी हमारा एक्सेप्शंस ऑफ मर्डर की डेफिनेशन के अंदर आता है। अब हमारा फोर्थ एक्सेप्शन क्या आती है, सडन फाइट इन हीट एंड पैशन। सडन फाइट इन हीट एंड पैशन का मतलब होता है कि आपको भी किसी से बातचीत हो रही थी, आपको भी परेशान कर रहा था, आपकी एकदम किसी से लड़ाई चालू हो गई, आपने किसी को मारना चालू कर दिया और फाइट करते दौरान आपके हाथों से किसी की डेथ हो जाती है, तो ऐसे केस के अंदर आपने किसी को जान से मार दिया तो आपके ऊपर मर्डर का चार्ज लगना चाहिए। लेकिन इसको याद करते हुए आपको फोर्थ पॉइंट पढ़ा होना चाहिए, अगर आपने फोर्थ पॉइंट पढ़ा है तो आपके ऊपर मर्डर का चार्ज ना लगकर बल्कि कल्पेबल होमिसाइड का चार्ज लगता है, जो हमारा फोर्थ एक्सेप्शन है मर्डर के सडन फाइटिंग हीट एंड पैशन। अब इसके केस लॉज भी इसी से रिलेटेड है, रामकृष्णा वर्सेस स्टेट जो हमारा 1972 का केस है और हरिशंकर वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान जो भी हमारा एक इससे रिलेटेड केस है कि इसके अंदर कॉलेज के जो स्टूडेंट थे उनके आपस में फाइट चालू हो गई थी और फाइट इतनी भयंकर हो गई जिसमें एक बच्चे ने सामने वाले दूसरे स्टूडेंट को जान से मार दिया, तो इसके अंदर इनकी लड़ाई भी जो है प्रूव हो गया था सडन फाइट इन हीट एंड पैशन के अंदर करी गई थी। अब इसके अंदर एक बात आती है, जैसे मैंने आपको इस पॉइंट के अंदर फेक एनकाउंटर की बात बताई थी, ऐसे ही इसके अंदर एक सडन फाइट इन हीट एंड पैशन के अंदर भी बात आती है कि अगर एक दो बंदों की आपस में लड़ाई होने वाली थी उससे पहले बीच में पुलिस पहुंच गई तो वो दो बंदे भाग गए कि हम परसों लड़ेंगे या कल लड़ेंगे। अब इसके अंदर बात आती है कि कल लड़ेंगे, अब वो कल लड़ने के लिए राजी हो गए हैं। अब यहां पे अगर आप बोलोगे कि इनकी आपस में एकदम फाइट हो रही है तब वो कल्पेबल होमिसाइड की डेफिनेशन के अंदर नहीं आए, क्यों? अब इसके अंदर प्लानिंग की बात आ गई है, अब इन्होंने एक डेट फिक्स कर दिया कि कल लड़ेंगे, अब यहाँ पे डेट आ गई, पूरी प्लानिंग आ गई, प्लॉटिंग करके जाएंगे सारे के सारे, तो ऐसे केस के अंदर अगर उन दोनों की लड़ाई के दौरान किसी की डेथ होती है, अगर कोई जान से मार देता है एक दूसरे को, तो ऐसे केस के अंदर उसमें क्लियरली मर्डर का चार्ज लगेगा, जो हमारे को इस केस के अंदर बताया था राम कृष्णा वर्सेस स्टेट 1972 के केस के अंदर बताया था। अब फाइव हमारी फिफ्थ और लास्ट एक्सेप्शन जो है मर्डर की वो क्या कहती है, कंसेंट। अब कंसेंट का टॉपिक अगर आपको समझना है तो इससे पिछली वाली वीडियो के अंदर मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था जिसमें एक निशानेबाज था, उसने एडल्ट बंदे को जो 18 प्लस था उसको बोला था कि अपने सर पे सेब रख के खड़े हो जाओ, मैं तुम्हारे सेब के ऊपर निशाना लगाऊंगा, और जैसे ही निशानेबाज वो शूट करता है सेब को ना लगकर उस बंदे को लग जाती है और उस बंदे की ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है, तो ऐसे केस के ऊपर निशानेबाज के ऊपर जो है चार्ज कौन सा लगता है, कल्पेबल होमिसाइड का। मैंने आपको इससे पिछले वाली वीडियो के अंदर यही एग्जांपल दिया था। अब एग्जांपल्स को आप लिंक करने की कोशिश करा करिए, मैं आपको एग्जांपल्स बता सकता हूं अब कौन सा एग्जांपल्स किसके ऊपर अप्लाई होगा वो आपके ऊपर, वो आपकी ड्यूटी होती है। मैंने आपको अभी इसको इसलिए एग्जांपल बता दिया कि पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपको यही एग्जांपल दिया था और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको पिछली वीडियो के अंदर भी एग्जांपल नहीं समझ आया होगा क्लियरली। अब आपको ये वीडियो के साथ आप देख के उस एग्जांपल को लिंक करेंगे तो ये क्लियर आपको समझ में आएगा कि इसके अंदर जो है कंसेंट लेना, मतलब एक बंदे ने निशानेबाज ने एडल्ट बंदे को बोला कि भाई अपने सर पे सेब रख के खड़े हो जाओ, मैं तुम्हारे सर के ऊपर सेब जो रखा हुआ है उसके ऊपर शूट करूंगा। अब एडल्ट बंदा है वो पूरे होशो आवाज में पूरा एग्री कर रहा है कि हाँ मैं सेब लेके खड़ा हो रहा हूं और अगर कोई भी इंजरी होती है या मेरी डेथ होती है तो मेरी जिम्मेदारी होगी, मतलब कि जो एडल्ट बंदा खड़ा हो रहा है उसकी जिम्मेदारी होगी, पूरा डॉक्यूमेंटेशन हुआ था निशानेबाज के बीच में और एडल्ट बंदे के बीच में, तो ऐसे केस के अंदर अगर निशानेबाज की गलती से उस बंदे की डेथ हो जाती है तो ऐसे केस के अंदर निशानेबाज को मर्डर का चार्ज नहीं लगाया जाएगा बल्कि कंसेंट के एक्सेप्शन से बचा लिया जाएगा और उसको कल्पेबल होमिसाइड के चार्ज में हम डाल देंगे जो हमारा सेक्शन 299 के अंदर डिफाइन करा हुआ है। तो यही कुछ पांच एक्सेप्शन होते हैं, सबसे पहला ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन, दूसरा एक्सेस यूज ऑफ राइट टू प्राइवेट डिफेंस, तीसरा डेथ कॉज बाय पब्लिक अथॉरिटी, चौथा सडन फाइट इन हीट एंड पैशन और पांचवा कंसेंट। ये जो पांच एक्सेप्शन होते हैं मर्डर के, इसके अंदर अगर कोई पर्सन मर्डर डेथ करता है तो मर्डर का चार्ज ना लगकर उसके ऊपर कल्पेबल होमिसाइड का चार्ज लग जाता है। अब इससे फायदा क्या होता है, फायदा ही है, मर्डर की पनिशमेंट बहुत ज्यादा है और इससे कम पनिशमेंट जो आपको कल्पेबल होमिसाइड के अंदर मिलती है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको जो पूरे के पूरे पांच एक्सेप्शन जो थे
मर्डर के जो हमारे को सेक्शन 300 ऑफ आईपीसी के अंदर ही डिफाइन है वो आपको समझ में आए होंगे। अब आगे के जो टॉपिक्स बचे हैं हमारे मर्डर से रिलेटेड, पनिशमेंट से रिलेटेड, वो हम आगे ही कवर करेंगे। अब इससे रिलेटेड जो मर्डर और कल्पेबल होमोसाइड से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स होंगे उसके आपको पर्सनल एक प्लेलिस्ट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और आई बटन के अंदर मिल जाएगा, ताकि कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो कि कौन सा टॉपिक हम कैसे वीडियो के अंदर समझ सकते हैं। पूरी प्लेलिस्ट के अंदर आपको प्रोवाइड हो जाएगा। मैं आशा करता हूं कि आपको पूरी वीडियो पसंद आई होगी, आप मेरी वीडियो को शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, और कोई भी आपका डाउट होगा तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन के अंदर बताएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।